नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौरजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि आपको डेली सुबह 7 बजे क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास मिलती है दोस्तों, तो आप डेली देखना ना भूला करें, 7 बजे आपको डेली मिलती है। तो दोस्तों, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका कोर्स तो कम्प्लीट हो चुका है क्लरिकल एप्टीट्यूड का, और दोस्तों और भी सब्जेक्ट का आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कम्प्लीट कराया जाएगा। तो आप किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना लें, आपको प्रॉपर क्लासेस दोस्तों मिलती रहेंगी, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखा करें दोस्तों। और जो पुरानी वीडियो दोस्तों जो डली हुई हैं उनका प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपको पता ही है, तो आप उन प्लेलिस्ट को भी दोस्तों जाकर वॉच कर लिया करें, क्योंकि वहां से आपका रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप डेली डेली रिवीजन करें दोस्तों जितना भी आपने पढ़ लिया है। तो अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें दोस्तों। अभी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा, तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। एक तो दोस्तों ये है क्वेश्चन, यहाँ से आपका ये, और दोस्तों इसके ऑप्शन ए बी सी डी, और एक दोस्तों ये है आपका, और इसके ऑप्शन ए बी सी डी। अब आपको जल्दी से इनके आंसर देने हैं, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपने आपको प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि आप दोस्तों इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है ए बी सी डी में से। दोस्तों देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे। तो अब देखें, आई एन डी आई आर ए इंदिरा, आई एन डी आई आर ए बिल्कुल सही है, के यू एल एस एच आर ई एस एच टी आर ए, के यू एल एस एच आर ई एस एच टी आर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, कैनरा सी ए एन ए आर ए बिल्कुल सही, बैंक बी ए एन के बिल्कुल सही है दोस्तों, आगरा ए जी आर ए ए जी ए आर ए, तो दोस्तों यहाँ पर ए एक्स का दी हुई है, तो इसी वजह से ये हमारा क्या हो गया, कैंसर। अब इसको देखें दोस्तों, तो हमारा यहाँ तक तो ठीक था, तो देखें ये भी दोस्तों ठीक, आई एन डी आई आर ए बिल्कुल सही है, के यू एल एस एच आर ई एस एच टी आर ए दोस्तों ये भी ठीक है, के यू एल एस एच आर ई एस एच टी आर ए बिल्कुल सही है। कैनरा की देखते हैं, सी ए एन ए आर ए सी ए डबल एन, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, डबल एन दी हुई है, एन के बाद एन है, तो दोस्तों इसी वजह से ही हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं आप, आई एन डी आई आर ए आई एन डी आई आर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अब कुल श्रेष्ठ की देखते हैं, के यू एल एस एच आर ई एस टी, तो दोस्तों यहाँ पर एच होना चाहिए था, डायरेक्ट टी दी हुई है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब दोस्तों ऑप्शन डी को चेक करने की जरूरत है, तो आप कहेंगे फिर क्यों करें, ये यही बचा है तो यही हमारा सही होगा, लेकिन दोस्तों चेक कर लेते हैं, आई एन डी आई आर ए बिल्कुल सही है, के यू एल एस एच आर ई एस एच टी आर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, कैनरा की स्पेलिंग एकदम सेम है, बैंक की भी दोस्तों सेम है, आगरा कैंट आगरा 20008 दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगर आपका भी दोस्तों ऑप्शन डी आ रहा था तो बिल्कुल आपका दोस्तों एक नंबर पक्का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टू को जल्दी से सॉल्व करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू पर दिया हुआ है तनेकपुर जुलाई 23, 1947, तो पहले तो इसकी स्पेलिंग देखें, टी ए एन ई के पी यू आर, तो आप ऑप्शन ए को चेक करें, टी ए एन ई के, ये दोस्तों सी नहीं है, ये ई है यहाँ पर, इसको सही से मैं के पी यू आर बिल्कुल सही है जुलाई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 23 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितना है 28, तो यहीं पर ही हमारा गलत हो गया। अब इस वाले को देखते हैं, टी ए एन ए, लेकिन दोस्तों एन के बाद क्या है, ई, तो यहाँ पर ये ए दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया दोस्तों। और ऑप्शन सी को चेक करें आप, किसको, ऑप्शन सी को, तो टी ए एन ई के पी यू आर बिल्कुल सही है दोस्तों, पी यू आर, टी ए एन ई के पी यू आर बिल्कुल सही है, जुलाई जे यू एल वाई जुलाई 23, 1974, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कितना 1947, तो ये भी गलत, ऑप्शन डी अब दोस्तों यहाँ पर भी हमारा ठीक हो जाएगा, तो आप चेक कर लें, टी ए एन ई के
पी यू आर, दोस्तों ये ई बना हुआ है, ये सभी में सी नहीं है। जे यू एल वाई, जुलाई 23, 1947, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर वन का दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, और क्वेश्चन नंबर टू का भी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तो आप बस वीडियो को ऐसे ही देखते रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। तो इसको हम हटाते हैं और दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं, और उसको ध्यान से आप पढ़ना और उनके आंसर देना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, दो तो हमने कर लिए थे, 3, 4, 5, 6, 7 तक दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इस अक्षर और अंक पर आपको ये सॉल्व करने हैं। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे दें दोस्तों, JZ43QT, JZ43QT, VV68LA। तो पहले इसका आप जल्दी से आंसर दें, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, JZ43QT, इसका जल्दी से आंसर दे दोस्तों। तो आपने चेक कर लिया होगा, तो दोस्तों इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो जे, जे पर क्या है, सिक्स, तो सिक्स देखें तो दोस्तों सभी में दिया हुआ है, वन भी सभी में, तो जेड को चेक करने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी जेड का वन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें हम, तो फोर, तो फोर पर क्या है, एफ, तो दोस्तों पहला वाला तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है एल, एफ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब थ्री, थ्री पर देखें दोस्तों तो क्या, लास्ट में थ्री दिया हुआ है, तो एल दिया हुआ है, थ्री का कोड क्या है एल, तो एफ के बाद एल इसमें, एफ के बाद एल इसमें, एफ के बाद एल इसमें, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों थ्री के बाद क्या है क्यू, क्यू पर क्या है सेवन, तो अब हम एल के बाद सेवन इसमें, एल के बाद सेवन, लेकिन एल के बाद नाइन है इसमें, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बी और सी में से दोस्तों एक आंसर होगा। तो अब टी चेक करना है हमको, तो टी पर क्या है नाइन, दोस्तों अब सेवन के बाद कितना नाइन, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, थ्री कैंसिल हो गया क्योंकि थ्री पर क्या है एल, तो ऑप्शन बी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब क्वेश्चन नंबर फोर को आप जल्दी से सॉल्व करना दोस्तों, अगर आपका भी ऑप्शन बी आ रहा था तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपके तीन नंबर हो चुके हैं पक्के। अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर फोर में, तो VB68LN, VB68LN, तो जल्दी से दोस्तों इसको मैच करें आप, तो वी, अब वी का देखें दोस्तों दो, दो तो सभी में दिया होगा, अब बी देखें तो दोस्तों क्या जीरो, जीरो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सभी में सिक्स, सिक्स का दोस्तों क्या जे, तो जे यहाँ पर नहीं है, एन दिया हुआ है, तो ये कैंसिल, जे इसमें और इसमें भी है और इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों तीसरे नंबर पे। अब आठ, आठ का कोड क्या है एन, तो अब जे के बाद आनी चाहिए हमारी एट, यानी कि एन आना चाहिए दोस्तों एट की जगह पर एन, तो ये वाला है यहाँ पर दोस्तों नहीं है, इस वाले में भी है। तो अब L, L का कोड क्या है दोस्तों, L का कोड है थ्री, L का कोड थ्री, तो N के बाद थ्री आना चाहिए, तो वो हमारा इसमें दोस्तों N के बाद थ्री, इसमें एट दिया हुआ, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। तो दोस्तों अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव का लें, Z S 29, Z S 29 जे क्यू, जल्दी से इसका आंसर दें दोस्तों, Z S 29 जे क्यू, तो जल्दी से सॉल्व करना है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो अब दोस्तों जेड को देखें किस पर है, एक, एक तो सभी में, पांच भी सभी में दोस्तों, एस का पांच होगा, तो ये देखिए बिल्कुल एस का पांच दिया हुआ है। अब दो का देखते हैं दोस्तों, दो का क्या बी, पांच के बाद बी इसमें भी, पांच के बाद बी इसमें भी, पांच के बाद बी इसमें भी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टी दिया हुआ है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम नाइन पर, तो नाइन पर क्या है टी, यानी बी के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बी के बाद टी इसमें भी है, बी के बाद यहाँ पर क्या है सिक्स, तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल, और बी के बाद टी इसमें, तो ए और सी में से दोस्तों एक हमारा क्या हुआ आंसर होगा। तो अब जे का देखें, जे पर क्या है दोस्तों, तो जे पर है सिक्स, तो टी के बाद क्या आना चाहिए सिक्स, इसमें भी है सिक्स दोस्तों, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें क्या है सेवन, तो ये कैंसिल, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका भी ऑप्शन ए आ रहा होगा, तो आप आसानी से आंसर दोस्तों दे सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्यू, तो क्यू पर दोस्तों क्या है सेवन, क्यू का क्या दिया हुआ है यहाँ पर कोड सेवन दिया हुआ है दोस्तों। अब एस का कोड कितना है फाइव,
अब यहाँ पर तो दिया हुआ है 4, तो ये कैंसिल हो गया हमारा 5, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब 0 का कोड क्या है, बी, तो बी तो दोस्तों यहाँ पर कहीं नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। इन दोनों में बी है और दोस्तों जे भी है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर तो हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, एन, एन पर क्या 8, तो जो 8 मिले लास्ट में यहाँ मिल रहा है दोस्तों, ये हमारा 2 मिल रहा है, तो ये कैंसिल हुआ, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को आप जल्दी से सॉल्व करें, क्या है LT41NB, क्या दिया हुआ है LT41NB। तो दोस्तों अब L, L कितने पर है, यहाँ पर देखें 3 पर है, तो 3 सभी में दोस्तों, 9 भी सब में। अब हम 4 को चेक करते हैं, 4 पर क्या है F, दोस्तों F इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, इसमें, लेकिन यहाँ पर E दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब 1 का देखते हैं दोस्तों, तो 1 पर क्या है जेड, 1 पे क्या है जेड, यानी कि F के बाद दोस्तों जेड आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है N, तो ये हमारा कैंसिल, F के बाद जेड इसमें भी है, इसमें भी है। अब दोस्तों लास्ट वाला चेक कर लें, क्या है बी, तो बी पर क्या है 2, तो लास्ट में 2 आना चाहिए जो इसमें है दोस्तों, ये तो हमारा गलत हो जाएगा, 8 दिया हुआ, तो ऑप्शन बी दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करते हैं, और ये आपके समझ में आ रहे होंगे, आप अपने स्कोर बता दिया करें दोस्तों, कितने आपके स्कोर बन रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों अब और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा, तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, इनको आपको सॉल्व करना है। एच यू जी ई यूज ए बी सी डी, ये ऑप्शन है। तो दोस्तों चेक करो इसको जल्दी से, इसका क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। एच यू जी ई, तो एच को देखें दोस्तों, तो 6, 7 यहाँ पर दिया हुआ है, 6, 7, तो 6, 7 पर जब हम जाएंगे 6, 2, 7, तो H आएगा, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब U देखें तो 1, 4 पर U है, 1, 4 पर A दिया हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया, 1, 4 पर क्या है A, तो ये हमारा कैंसिल। 5, 5 पर देखें H है, 5, 5 पर दोस्तों H है। U देखें 0, 4 पर U है, 0, 4 पर U, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब 5, 6 पर देखें G है, 5, 6 पर G, बिल्कुल है। 0, 1 पर E है, 0, 1 पर E, तो दोस्तों ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों C और D चेक करने की जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको चलते हैं डी ओ एन ई, डन दोस्तों, इसको देखते हैं डन, तो डी यानी कि 6, 5 सभी में दिया हुआ है, तो ये तो दोस्तों बिल्कुल सही होगा, जब सभी में दिया हो तो फिर उसको चेक नहीं करते, देखें 6, 5 पर है या नहीं, 6, 5 पर डी है। ओ देखें दोस्तों, तो ओ हमारा 2, 1 पर देखें, 2, 1 पर ओ, बिल्कुल सही है दोस्तों। एन 8, 6 पर एन देखें, 8, 6 पर एन, ये भी दोस्तों ठीक है। ई देखें 2, 0 पर, 2, 0 पर दोस्तों क्या दिया हुआ आई, तो यहाँ पर आकर ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमारा ठीक था, अब ओ देखें 0, 3 पर ओ है, 0, 3 पर ओ, बिल्कुल सही दोस्तों। 6, 6 पर एन है, 6, 6 पर क्या है एम दिया हुआ है, तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी देखें दोस्तों, तो 6, 5 तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब 1, 2 पर ओ चेक करना है हमको, 1, 2 पर ओ बिल्कुल मिल रहा है। 8, 6 पर दोस्तों देखें तो एन मिल रहा है, 8, 6 पर एन दोस्तों मिल रहा है, बिल्कुल सही। ई पर दोस्तों 1, 0, 1, 0 पर ई, तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बताएं दोस्तों, एम ए डी ई, मेड, मेड का दोस्तों इसमें आपको बताना है, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको आते होंगे, और नहीं आते हैं तो दोस्तों इसकी वीडियो आपको क्लास नंबर 2 है शायद, उसको जाकर आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो इसको एम ए डी ई, एम 8, 5 पर दोस्तों देखें, एम है 8, 5 पर एम, बिल्कुल सही है। ए पर दोस्तों यानी ए 0, 0 पर क्या है ए, बिल्कुल सही है। 6, 7 पर दोस्तों देखें डी मिल रहा है, 6, 7 पर एच है, तो दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया। 8, 5 यहाँ पर दोस्तों चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2, 3 पर देखें तो 2, 3 पर ए मिल रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब 6, 5 पर डी मिल रहा है, 6, 5 पर डी, ये भी मिल रहा है। अब ई दोस्तों हमको 1, 1 पर मिलेगा, 1, 1 पर आई मिल रहा है, तो ये हमारा गलत। 8, 5 बिल्कुल सही, 2, 3 बिल्कुल सही, 6, 5 दोस्तों बिल्कुल सही था।
अब हमारा यहीं पर तो मिस्टेक हुई। अब फोर टू देखें हम, फोर और टू ई, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों तो कौन सा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसको चेक करें, जी ओ ए डी 5 6, दोस्तों 5 6 तो सभी में, तो जी यानी कि 5 6 पे ही होगा, 5 6 पर जी है। ओ देखें दोस्तों तो 0 3 पर ओ है, 0 3 पर ओ बिल्कुल सही दोस्तों। ए देखें तो 1 4 पर ए है, 1 4 पर ए, ये भी सही है। 5 7 पर डी है, यानी कि 5 7 पर एन दिया हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। ये यहाँ सही है, यहाँ तक सही था। 1 4 पर देखें दोस्तों ए है, 1 3 पर, 1 3 पर देखें तो यू है, 1 3 पर क्या है दोस्तों यू, तो ये कैंसिल, ये यहाँ सही है दोस्तों। अब 1 1 पर चेक करें, ओ है, 1 1 पर आई है, तो ये भी कैंसिल, तो यानी ऑप्शन डी हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चेक करें दोस्तों 5 6 तो यहाँ से मिल रहा है, 0 3 मिल रहा है। अब 1 4 को चेक करें तो दोस्तों ए मिल रहा है, 1 4 पर ए बिल्कुल मिल रहा है। 5 8 को और चेक कर लें दोस्तों, 5 8 पर हमको डी चाहिए, 5 8 पर डी मिल रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके क्वेश्चन, तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका स्कोर क्या बनना है दोस्तों ये भी आप कमेंट में बताया करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों, और शेयर भी कर दिया करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और आपको सभी वीडियो प्रॉपर मिला करेंगे दोस्तों, और आपको पूरा कोर्स कम्प्लीट कराया जाएगा। आपको इतनी तो उम्मीद दोस्तों हुई होगी कि आपको वीडियो मिल रही है दोस्तों, जैसे भी हैं आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, आप जल्दी से जाकर उनको देख लिया करें दोस्तों। तो अब वीडियो को यहीं पर करते हैं दोस्तों, वहाँ तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।